Assalamualaikum everyone, welcome back with another vlog. तो जी जनाब, यहाँ पर मैं अपनी बहन और भाई के लिए नाश्ता बना कर लाई थी। तो आज का व्लॉग जो है आपने पूरा देखना है, क्योंकि आज का व्लॉग जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपना व्लॉग, पर उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जी जनाब, कर दिया आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, तो चलें हम शुरू करते हैं अपना व्लॉग। जैसा कि मैंने कहा था कि आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज है हमारे कज़न के घर पर दावत, हमारी आपी के घर पर दावत है, और उधर की है तैयारियां। जी दावत तो ईद की थी, थोड़ा डिले हो गई थी दावत, क्योंकि इतनी दावतें खाते खाते ना फिर जी नहीं जाता, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा गैप दे दिया था बीच में। और फिर ये व्लॉग भी थोड़ा लेट आया है, क्योंकि जैसे सिग्नल इश्यूज़ की वजह से आप लोगों को सबको ही पता है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी अपनी तैयारी, और मैं अपना सारा सामान जो है वो एक तरफ निकाल के रख रही थी। सबसे पहले मैंने इसके साथ ये पर्पल वाले ना इयर रिंग डिसाइड करके रखे हुए थे ईद से पहले से, कि मुझे इस सूट के साथ जो है यही इयर रिंग पहनने हैं। पर आपने ईद के सेकेंड डे व्लॉग में देखा होगा कि मेरी कज़न ने ये दूसरे वाले इयर रिंग जो है वो गिफ्ट किए थे, तो वो भी सूट के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा वो पहने जाए, क्योंकि आप ही खुश हो जाएंगी कि जो मैंने दिए वो इसके मैच हो गए। और सारा सामान निकालने के बाद जो है ना, मैं अपने सूट पर आयरन कर रही थी। मैंने सारा सामान पहले ही निकाल लिया था, फिर बाद में जो है वो चेंज करने के बाद इधर उधर से सामान निकालो ना, तो फिर जो आयरन है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही सारा सामान निकाल के रख लिया था। और अब यहाँ पर मैं एक हाथ से आयरन कर रही थी और दूसरे हाथ से शूट कर रही थी, तो बस मैंने थोड़ा ही शूट किया और मैंने फिर मोबाइल को रख दिया था ताकि मैं सही से आयरन कर सकूँ। इसके बाद जो है हम लोग बाहर निकल रहे थे, और मैंने यहाँ पर जो है ना गलत शूज़ निकाल ली थी, एक मेरी और एक मेरी सिस्टर की। अच्छा, इसमें बहुत माइनर सा फ़र्क है, एक जो है वो डार्क ब्राउन है और एक जो है वो ब्लैक है। तो मेरी सिस्टर ने कहा चलो निकल गई है तो मेरे लिए भी यही निकाल दो, तो हम लोग बस निकल रहे थे। तो जी जनाब, यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे अपनी कज़न के घर जाने के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे, घर में हम लोगों ने काफ़ी टाइम लगा दिया था। और हम लोग पैदल ही जाते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम वॉक करते हुए आराम से चले जाते हैं उधर। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे अपनी कज़न के घर पर, यानी आप ही के घर पर, और उधर जो है ना बस लाइट जा चुकी थी। अब कराची में रहते हैं, ये प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहुँच चुके थे, और हमारे पहुँचते बच्चे जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि वो हम लोगों के साथ बहुत फ़न करते हैं। और यहाँ पर भी जो है ना हम लोग बस बात ही कर रहे थे, क्योंकि अभी हम लोग आके बैठे थे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, और आपी वगैरह से बातें चल रही थी। लाइट क्योंकि गई हुई थी, आपी का यूपीएस तो चल रहा था, तो इसलिए हम सब लोग जो हैं एक ही रूम में बैठ गए थे, जल्दी यूपीएस की चार्जिंग ख़त्म ना हो जाए। फिर हम लोगों ने कहा चलो आपी के साथ कुछ थोड़ा बहुत काम करा लिया जाए। सारा काम तो आपी ने कर चुकी थी, बस ये थोड़ा बहुत ऊपर का जो काम होता है वो बाकी रह गया था, बाकी तमाम काम जो है वो आपी कर चुकी थी। तो मैंने कहा चलो उंगली कटा के शहीदों में नाम कर देते हैं। और यहाँ पर जो है बस खाना दम पर था, बिरयानी, और जब तक हमने कहा चलो कुछ फ़न कर लिया जाए, सारे भांजा भांजी जो है वो मिलकर हमारे अल्लाह गुल्लाह कर रहे थे और छोड़ ही नहीं रहे थे, बहुत ही मज़ा आया बच्चों के साथ। और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे और गपशप लग रही थी, यहाँ पर सबकी सारी कज़न्स बैठे हुए थे, हम लोग, हम सिस्टर्स कज़न सब मौजूद थे यहाँ पर, और ये बच्चे तो छोड़ ही नहीं थे कि आनी और आनी और, बहुत इंजॉय किया हम सब ने यहाँ पर। और यहाँ पर जो है खाना रेडी था बिल्कुल, और हम यहाँ पर थोड़ा सा हाथ बटाने आ गए थे आपी का कि चलें हम खाना लगवा देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा लेट आए थे, हमने और कोई काम तो करे नहीं थे, आपी ने तमाम काम अकेले कर लिए थे। आपी ने घर पर ही ये बिरयानी बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनाई थी आपी ने, मास्टर हो गई हमारी आपी तो माशाल्लाह।
और यहाँ पर जो है दस्तरखान लग चुका था और साथ में आप ही ने बनाया हुआ था ये कचरी कीमा, यानी कबाबी कीमा कहते हैं बहुत से लोग इसको। और इसके साथ साथ जो है ना हमारे दुल्हा भाई ने बाहर से बनवाए थे ये मलाई टिक्का बनवाया था उन्होंने। सारी चीज़ें ही बहुत टेस्टी थी और यहाँ पर अब सब इंजॉय कर रहे थे खाना। जी जनाब, बड़े शहर के बड़े मसले। यहाँ पर जो है रात के 10 बज चुके थे और गैस जा चुकी थी, पर हमारे दूल्हा भाई ने सारा इंतज़ाम कर रखा था कि गैस की टंकी और ये चूल्हा एक्स्ट्रा मंगा के रखा हुआ था उन्होंने ताकि आराम से इंजॉय कर सकें दावत को। और मैं, मेरी आपी और मेरी सिस्टर और हमारे दूल्हा भाई जो है ना वो खाना खा रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोग सर्विंग कर रहे थे। तो आपी ने चाय रख दी थी पर मेरी सिस्टर ने कहा आपी आप खाना खाओ, हम लोग चाय निकाल देंगे। यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है वो निकाल रही थी चाय और हम लोग खा रहे थे खाना। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था कि आप ही और दूल्हा भाई जो है ना वो दोनों सर्विंग कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा हम लोग भी तो आपके साथ ही खा लेंगे, चले हम भी सर्विंग करते हैं। और यहाँ पर हमारा खाना हो गया था डन और अब बस चाय भी डन हो चुकी थी। और मैंने खाना खाने के साथ ही जो है ना फ़ौरन से मैंने भी चाय ले ली क्योंकि ठंडी चाय जो है ना वो मुझसे पी नहीं जाती, और निकालते वक्त मैंने गिरा भी दी थी चाय को। और मैंने अपनी चाय उठाई और मैं इस कमरे से निकल गई थी क्योंकि अब यहाँ पर सब बड़े बैठे हुए बातें कर रहे थे और हम सब कज़न और सिस्टर्स जो हैं वो सब ड्राइंग रूम में बैठ गए थे क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमारे भांजे कर रहे थे डांस और सारी आनियों को बैठाकर वो एंटरटेन कर रहे थे। आनियों को 12 से 2 का शो दिखा रहे थे और वाकई इन्होंने रात के 2 ही बजा दिए थे डांस करते करते, और बहुत थक गए होंगे लोग तो भाई। और इनको देखा देखी जो है ना वो छोटा भी शुरू हो चुका था डांस करना, बहुत ही क्यूट लग रहा था, वो भी बहुत खुश हो रहा था डांस करके। और इसके बाद जो है हम लोग वहाँ से निकलने की कई बार हम लोगों ने कोशिश की पर ये बच्चे जो है ना सब पकड़ के बैठा लेते थे। और आप लोग कहेंगे बच्चों का फेस तो दिखाया नहीं, तो इन बच्चों की डिमांड थी कि आनी हमारा फेस मत दिखाना वरना लोगों को शर्म आने लग जाती है फ़ौरन से जहाँ इनका फेस दिखे। और ये वीडियोस भी जो है वो मैंने छुपके से बनाई थी दुपट्टे के अंदर रख कर मोबाइल को, अगर इनको दिख जाता ना कि मोबाइल से वीडियो बन रही है तो फिर ये लोग नहीं करते डांस, बिल्कुल भी नहीं करते। और वाकई देखें बच्चों ने कितना टाइम लगा दिया था और फिर भी हम लोगों को निकलने नहीं दे रहे थे। इसके बाद हमारी भांजियाँ पूरियाँ अभी नहीं आनी, आप इतने दिनों बाद तो आए हो सब लोग, तो यहाँ पर चला फिर ये गेम सेशन और यहाँ पर ये लेके बैठ गई थी ये गेम। बहुत ही इंजॉय किया सब लोगों ने और इस गेम में भी ना काफ़ी टाइम लग गया, पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। पहले आनियों के साथ खेला इन्होंने, फिर मामुओं के साथ खेला, फिर हमारे दूल्हा भाई ने खेला और इसके बाद जो है ना सबको इसका इंतज़ार था चॉकलेट केक का। यह हैप्पी मेमोरीज़ का केक हम लोगों ने कट किया, हैप्पी मोमेंट केक। और ना बच्चों से तो सबर ही नहीं हो रहा था क्योंकि चॉकलेट सबको पसंद है। जहाँ पर केक पर पहला कट लगा और ये तमाम चॉकलेट्स गायब। और इसके बाद नेक्स्ट गेम शुरू हो गया और हम लोग तो ये गेम बस खेल ही रहे थे क्योंकि हम लोगों को इतना अच्छा खेलना नहीं आता, बस तुक्के से जो गोटे वो चली गई तो चली गई। यहाँ पर सिर्फ एक ही मास्टर बैठे हुए थे, वो थे हमारे दूल्हा भाई जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि इस तरफ से खेलो इस तरफ से खेलो। बस हम अपनी भांजियों का दिल खुश करने के लिए खेल रहे थे, असल में खेल तो हमारे दूल्हा भाई ही रहे थे बस, क्योंकि हमें इतना अच्छा नहीं आता था। और यहाँ पर इसके बाद जो है ना के बाद मेरी बारी जो आई ना, मैंने तो कैसे गुड़ तो डाल दी पर वो हमारी नहीं गई, नेक्स्ट टीम की चली गई थी। और यहाँ पर जो है ना बस गेम खेलने के बाद हम लोगों ने कहा हम लोग चलते हैं, पर हमारे भांजा भांजी आपी हम लोग को आने नहीं दे रही थी, कह रही थी अब बस सुबह नाश्ता करके ही जाना। अच्छा जब भी जाओ ना अगर तो आपी बच्चे सब यही करते हैं, कहते हैं सुबह जाना, पर भाई ने कहा चलो चलते हैं। अम्मी पापा हमारे पहले जा चुके थे तो अम्मी जो है ना घर पर वेट कर रही होंगी। और यहाँ पर रात के 4 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे
और बस हम थोड़ा पैदल डिस्टेंस पर ही है तो हम इजीली घर पर आ गए थे। और यहाँ पर मैं करूँगी ब्लॉग को एंड और आप लोगों से कहूँगी कि एक बार फिर से के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।